आज हम देखेंगे कि अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशंस में किस तरह से पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इफ यू आर डूइंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हम कौन सा गेटवे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दैट्स ऑब्वियस आंसर इज विच इज रेजर पे, विच इज मोस्ट वाइडली एंड कॉमन यूज, दैट इज रेजर पे। ओके, तो रिजर्व, अब सबसे पहले कि रिजर्व पे का अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो आपको रिजर्व पे की साइट पे जाना है, सिंपली साइन अप करना है अपने एक ईमेल आईडी से और उस ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना। ये तीन स्टेप का काम है। जैसे आप ईमेल आईडी वेरीफाई करोगे और लॉगिन करोगे तो आपका जो अकाउंट है ना वो टेस्ट मोड में एक्टिवेट हो जाएगा। टेस्ट मोड पे ध्यान रहे, लाइव मोड में एक्टिवेट करने के लिए आपको और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, जैसे उसके सारे फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे, अपने जीएसटी नंबर, आपके फॉर्म का जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें देनी है। तो अभी तो फिलहाल हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हम ये देखें कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे हम रिजर्व पे के गेटवे को अपने एप्लीकेशंस में, किस तरह से हम डमी ट्रांजैक्शंस करेंगे, वो सारी चीजें देखना है। तो उस चीज को देखने के लिए भी उतनी सारी चीजें आपको नहीं करनी है, बसरते सिर्फ और सिर्फ साइन अप कीजिए, ईमेल वेरीफाई कीजिए और लॉग इन कीजिए टेस्ट मोड में। जैसे ही आप टेस्ट मोड में लॉग इन करोगे तो आपको यहां पे फर्स्ट एक ऑप्शन मिलेगा विच इज की आईडी एंड की सीक्रेट डाउनलोड करने का या देखने का फर्स्ट टाइम। जैसे आप उसे डाउनलोड कर लेते हो एक बार तो फिर वो फाइल यहां से डिसेबल हो जाएगी, आप उसे नहीं देख पाइएगा। तो आप डाउनलोड करके रख लीजिए, सबसे पहला काम यही करना है कि उसे डाउनलोड करके आपको रख लेना है। अब नेक्स्ट इसे इम्प्लीमेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन जाने के बाद हमें यहां पे चलना है डेवलप में एंड देन इंटीग्रेशन में। ओके, ऑब्वियसली एंड्रॉइड एसडीके के डॉक्स में चलेंगे। अब एक एक स्टेप हम यहां से करेंगे, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल भी आसान है, बहुत आसान है। बस सिर्फ एक एक स्टेप जैसे यहां मेंशन किया है ना वो सारी चीजें आपने देखना है। तो जो सबसे पहला काम है यहां से, ऑब्वियसली डिपेंडेंसी को इंक्लूड करने से शुरुआत होगी अपनी, तो हम डिपेंडेंसी को इंक्लूड करेंगे और देखेंगे आगे काम कैसे हो रहा है। तो ये जो डिपेंडेंसी, पहले इसे हम इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए यहां पे कॉपी किया हमने और ये चलते हैं ग्रेडल में, मॉड्यूल में। अभी आपको ना सिंक नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सिंक नहीं करना। आप रिपोजिटरी इसे पूरा कॉपी कर लीजिए और फिर बिल्कुल ऊपर में या कहीं पे भी आप डाल सकते हो, ऐसा कोई नहीं है अपने। चलिए रिपोजिटरी इसको ऐड कर दिए और नेक्स्ट क्या करना है, अब देखिए यहां पे पढ़िएगा ये बात क्या बोल रही है। ये आपको बोला है कि इस फाइल को डाउनलोड करके अपने लाइब्रेरीज फोल्डर में रखना है। तो लिंक आपको यहां दिया गया है, वर्जन भी बता दिया गया है, चेकआउट 1.5.16। तो आप यहां पे देखिए 1.5.16 दैट इज वन, यहां से गए इसे, यहां पे देखिए फाइल का साइज दिया है, डाउनलोड किया यहां से हमने, यहां पे गए शो इन फोल्डर, यहां से हम उसे कट करते हैं, वापस से प्रोजेक्ट में आते हैं और यहां चलते हैं प्रोजेक्ट में और इसके लाइब्रेरी फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वर्जन हम यहां से हटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये देखिए दूसरा काम किया हमने, सबसे पहले तो डिपेंडेंसी ऐड की, फाइल डाउनलोड करके उसे लाइब्रेरी फोल्डर्स में रखा। तीसरा काम जो आपको ऐड करना है, चलिए वो ये देखिए, ये कुछ छोटा सा एक फ्रैगमेंट कोड है, ये आप अपने इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो हमने लाइब्रेरी फोल्डर्स जो ऐड किए उसका पाथ को कंफर्म कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आपको सिंक पे क्लिक करना है। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन सिंक नाउ बटन। तो अब देखते हैं, ये अगर सक्सेसफुली सिंक हो गया, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सक्सेसफुली सिंक हो गया, अब ये बिल्ड डॉट ग्रेडल का अपने पास कोई काम नहीं, इसे हटा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, इसे डिलीट करते हैं। ये तो काम हमने कर लिया, नेक्स्ट काम देखिए, ये आप पेगा टूल यहां से कॉपी कीजिए सबसे बेटर, और अपने ग्रेडल में अगर आइएगा आप तो इसे तो पहले हम कर लेते हैं एंड्रॉइड में। ये हमारा पेगार्ड रूल्स है, इस पूरे को डिलीट करते हैं और यहां से हम पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, पेगार्ड रूल का भी काम खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर पेगार्ड रूल में कुछ एरर आएगा तो उसे कुछ अभी इम्पोर्टेंट देने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी, आने दीजिए। नेक्स्ट है क्रिएटर ऑर्डर आईडी इन सर्वर। यहां पे देखिए एक बात है, पहले ना आपको ऑर्डर आईडी जो है अपने सर्वर पे क्रिएट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ एपीआई। तो अभी तो हम गेटवे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे, आने वाले वीडियोस में हम दिखाएंगे कि सर्वर पे किस तरह ऑर्डर आईडी जनरेट करके फिर हम यहां जेसन में पास करेंगे, तो हम बिना ऑर्डर आईडी के भी आगे का काम कर सकते हैं। सो लेट इट बी, हम नेक्स्ट काम पे आते हैं। ऑन क्रिएट मेथड में जाके आपको ये चीज ऐड कर देनी है, ठीक है, और इस पे डबल क्लिक करके इसके क्लास को इम्पोर्ट कर लेना है, बात होगी, आगे बढ़ते हैं।
अब बस ये वाला मेथड आपको कॉल कर देना है। सबसे पहला पेमेंट के लिए ये पूरा मेथड आपको कॉल करना, स्टार्ट पेमेंट, आप अपना फंक्शन का नाम स्टार्ट पेमेंट रखिए, कुछ और भी रखिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन बात है कि ये मेथड को हम कब कॉल करेंगे, पेज के जस्ट ऑन क्रिएट में कि फॉर्म लोड होते ही, आपका एक्टिविटी लोड होते ही कॉल हो जाएगा, या किसी बटन क्लिक में, या किसी अदर इवेंट्स में। तो हम चाहते हैं कि हम एक छोटा सा बटन बनाए, बटन के हम जब क्लिक करेंगे तो भाई मुझे वो पेमेंट का वाला जो काम है वो प्रोसेस करना है। तो उसके लिए देखिए एक बटन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बटन ले लिया हमने। फिर एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, इसकी पॉइंटिंग इधर। चलिए अब ये टेक्स्ट व्यू, इसकी पॉइंटिंग इधर, हो गई बात खत्म। कोड में आते हैं, थोड़ा सा इसका नाम जो है वो रख देते हैं पे बीटीएन, और इसका जो आईडी है वो हम रख देते हैं पे टेक्स्ट, ठीक है। इसको यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर देते हैं। अब जो है इसका जो टेक्स्ट है बटन का, वो हम लिख देते हैं पे विथ रिजर्व पे, और बाकी सब ठीक है। कंटेंट हम पहले भी डेमो रहने देते हैं, यहाँ पे हम एक टेक्स्ट का साइज देते हैं विच इज 19 SP, एंड उसके बाद टेक्स्ट का हम कलर दे देते हैं विच इज #000, दैट्स कम्प्लीटली ब्लैक। ये हो गया आपका डिजाइन। अब पे बटन पे क्लिक करेंगे और जो पेमेंट आईडी आएगा उसे टेक्स्ट व्यू में दिखाएंगे, ये हमारा टारगेट है। तो उसके लिए आपको तो उन दोनों को यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो चलिए दो बटन बनाते हैं, सो बटन पे बीटीएन और टेक्स्ट व्यू पे टेक्स्ट, ओके। इस तरह से हमने दो इन दोनों को यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले पे टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड वी बाई आईडी r.id. दैट इज r.id. क्या है भी अपना पे टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद अपने आते हैं पे बटन में, सो पे बटन इक्वल टू बटन फाइंड बी बाई आईडी r.id. पे बटन है ना। चल बात करते हैं, तो इस पे बटन को ऑन क्लिक में मैं चाहता हूँ सेट ऑन क्लिक ना न्यू ऑन के, इस पे बटन के क्लिक इवेंट पे मैं एक मेथड बनाऊंगा मेक पेमेंट, ओके। मेक पेमेंट पे डबल क्लिक किया हमने, यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएट मेक पेमेंट मेन एक्टिविटी के अंदर, यहाँ पे भाई हमें मेक पेमेंट का काम करना है, ठीक है। क्या करना है, ये पूरे कोड को कॉपी कीजिए यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ पेस्ट कर दीजिए, बस बात खत्म। अब पेस्ट करने पर सबसे पहला काम तो ये करना है, ये जो ऑब्जेक्ट ये नीचे बना रहे ना ये सब ऊपर कर दो, ठीक है, ये इन्होंने बड़ी गलती कर रखी है। उसके बाद ये जो कमेंट है इसकी अपने को कोई जरूरत नहीं, एक लोगो चाहिए हमें, तो हमने एक डमी जस्ट डो लोगो एमवी रफली डाउनलोड कर लिया है नेट से, और डाउनलोड करके उसे हम डाउनलोड में अपने ड्राइवल में पेस्ट कर देते हैं, दैट इज ओके। नाउ ये एरर तो बंद हो गया। योर की आईडी, यहाँ पे जो आप अपना एक्सेल डाउनलोड करोगे तो आपको की आईडी मिलेगा, उस की आईडी को आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये आप अपने मैनिफेस्ट में भी कर सकते हैं, हमने यहाँ किया है, कोई परेशानी नहीं है। चीजें बिल्कुल आसान करके समझनी है अपने लिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना इधर से उधर उधर से इधर। तो ये भी काम हो गया अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जेसन ऑब्जेक्ट है, इस पे डबल क्लिक करते हैं, इसके क्लास को इम्पोर्ट करते हैं, लॉग पे डबल क्लिक करते हैं, इसके क्लास को इम्पोर्ट करते हैं, टैग वाला जो है इसे हम वेरिएबल से कॉन्स्टेंट कर देते हैं, ये हो गया वेरिएबल से कॉन्स्टेंट। चलिए अब ये क्या भी इसे चलिए हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा मेक पेमेंट, ये हो गया हमारा ऑन क्रिएट, हो गया। यहाँ चले आते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक दो बातें अपने को समझनी। सबसे पहले तो ये अमाउंट 50,000 नहीं है, ये अमाउंट किस तरह से काम करता है, देखिए अमाउंट कुछ काम करेगा इस तरह से, व्हाट एवर योर अमाउंट इनटू बाय 100, ये कितना हो गया 50,000। अब हमने इनटू बाई 100 क्यों किया, कि जब ये पेमेंट प्रोसेस में जाएगा तो वो क्या करेंगे पता है, उसको डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो अल्टीमेट अमाउंट उन्हें मिलेगा 500 ही, इसलिए हमने उन्हें इनटू करके भेजा ताकि वो डिवाइड करेंगे तो दे विल गेट द एक्चुअल अमाउंट दैट आई वांट टू सेंडिंग।
और अगर आपको जैसे कि 200 भेजना है तो ये देखिए 300 भेजना, तो ये हो गया 30,000। तो हमने इसमें 300 को इंटू किया, 100 से 30,000 हो गया, एंड दे विल डिवाइड दिस अमाउंट बाई 100, सो दे विल अल्टीमेटली द अमाउंट विल बी 300। ओके, ये प्रीफिल पहले से एक ईमेल आईडी रहेगा, प्रीफिल एक ईमेल मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर ऐसा नहीं कि वेरीफाई होगा, तो इसे आप एक जेन्युइन नंबर दीजिए 7864942 7, ठीक है, कि ओटीपी आएगा वेरीफाई होगा, तो यहाँ पर अपने एक जेन्युइन नंबर चाहिए। ऑर्डर आईडी अभी मैंने बताया गेटवे पे, पहले आपको इसे सर्वर पे एपीआई इस्तेमाल करके इसे फेच करके तब यहाँ पास करना। देखिए आप लिखा भी है फ्रॉम रिस्पॉन्स स्टेप 3, तो अभी हम बाय डिफॉल्ट इसे डिजेबल कर देते हैं। मर्चेंट नेम यहाँ पे हम डाल देते हैं अलगोलियल एजुकेयर, और रेफरेंस नंबर जैसे आपको देना है हो गया। अब जब ये पेमेंट हो जाएगा तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा, क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा पेमेंट हो गया, है ना? तो ऑब्वियसली अपने को ऐसे दो मेथड्स होने चाहिए, एक सक्सेसफुल के लिए और एक फेलियर के लिए, जहां पे हम ये दिखा सके कस्टमर को कि हाँ ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो वापस यहां आते हैं, यहां आने के बाद देखिए आपको एक चीज दिखाएगा कि ये दो मेथड्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपके जो पेमेंट हुए या नहीं हुए। इसे कॉपी कीजिए और अपने मेन एक्टिविटी में लाके इसे पेस्ट कर दीजिए। जैसे डबल क्लिक, क्लास को इम्पोर्ट कीजिए, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक आएगा, इनके दोनों जो मेथड्स हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, दोनों जो मेथड्स हैं इम्प्लीमेंट मेथड्स, ओके, चलिए आगे दोनों मेथड्स आ गए। अब इन दो मेथड्स में क्या है भाई, ये जो एस आई है ना ऑन पेमेंट एस, ये जो है आपका ये है पेमेंट आईडी, तो ये जो हमने टेक्स्ट व्यू बनाया है पे टेक्स्ट, हम इसी के अंदर अपना पेमेंट आईडी दिखाएंगे। सो पे टेक्स्ट इक्वल टू सेट टेक्स्ट सक्सेसफुल पेमेंट आईडी लोन प्लस एस हो गया, उसके बाद जो है यहां पे दिखाएंगे हम फेल्ड एंड कॉज इज, उस फेल्ड करके हम जो कॉज है उसे दिखाएंगे, क्योंकि यहां पे बेसिकली आपको वो कॉज पता चल जाएगा कि किस कारण जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो गया है ना, तो वो अपने को वो कारण पता चल जाएगा। तो चलिए ये बात समझ में आ गई, पेमेंट आईडी ठीक है, इधर ये ठीक कर देते हैं, पेमेंट आईडी इज एस एंड फेल एंड कॉज इज एस, इतनी बात हो गई। कहीं पे कुछ भी ऐसा लगा आपको कि हाँ वो बहुत टफ है, कुछ भी ऐसा नहीं लगा, कितना आसान था। अच्छा हाँ, मैंने एक काम अभी शायद कर दिया क्या, लिप्स वाले पे नहीं किए, देखिए आई थिंक हमारा वो हो गया ना, पेमेंट प्रोजेक्ट में चलते हैं, लाइब्रेरीज में, यस इज ओके डन, एंड्रॉइड में आ गया। तो एक स्लाइटली देखते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एकदम ऊपर में चलते हैं, देखिए ये इन दोनों को ऐड किया, ये फाइल डाउनलोड करके लाइब्रेरीज में ऐड किया, उसके बाद सिंक कर लिया, उसके बाद इसे प्रोग्राड रूल में जाके ऐड कर दिया, देन ये एपीआई वाला काम हम बाद में करेंगे, उसके बाद ऑन क्रिएट में जाके इसे लिख दिया प्री लोड, ये प्री लोड क्या करेगा, मतलब जैसे एक्टिविटी लोड होगा ना, जितने जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है उसे वो पहले ही लोड कर लेगा। उसके बाद पेमेंट बटन के ऑन क्लिक इवेंट में जाके हमने इस पूरे कोड को डाला, यहाँ पे आपका की आईडी मिलेगा जो आपको मिला गया दिया गया है साइन अप करने के बाद। उसके बाद यहां से फॉर द टाइमिंग आप ऑर्डर आईडी डिसेबल कर दीजिए, और उसके बाद ये प्रीफिल ईमेल आईडी है, जैसे ईमेल आईडी पहले से दिखाता रहेगा, अमाउंट का क्या फंडा मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे जेन्युइन ईमेल आईडी आपको, जेन्युइन नंबर आपको देने हैं, ठीक है। अब बाकी जब रिटर्न होगा तो ये दोनों मेथड भी हमने यहाँ पे बता दिया। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं हम, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि हमारा ऐप रन हुआ या नहीं, इसे हम दोबारा रन करते हैं। ओके, ये रन हो रहा है, पे विथ रिजर्व पे चलते हैं, देखिए ये चला गया पेमेंट गेटवे पे, और यहां पे देखिए हमने 300 अमाउंट दिया था। अगर मैं आपको कोड में लेके आता हूं तो देखिए ये 330,000 भेजा था ना हमने, और ये इन 200 है ना, तो ये कितना हो गया, 30,000 हो गया था, 300 मेरा एक्चुअल अमाउंट है, 100 हमने इंटू किया था एक्चुअल अमाउंट। यहाँ देखिए वापस से जो इस स्क्रीन पे देखिए, वापस से आपको 300 अमाउंट ही दिख रहा है, इन्होंने क्या किया वो 100 जो है डिवाइड कर दिया। तो चलिए हमने जो मोबाइल नंबर वहां पे पास किया था 786, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है 786, जो ईमेल आईडी पास किया था वो भी यहाँ दिख रहा है, आप चाहो तो एडिट कर सकते हो,
कार्ड पे आते हैं। देखिए जैसे हमने बोला था कि पहले आपका जो मोबाइल नंबर है वो क्या होगा, वेरीफाई होगा। तो ये क्या करेंगे, आपके उस मोबाइल नंबर पे जेन्युइनली एक ओटीपी भेजेंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पे पहले डालना होगा। तो विच इज 859196, तो सॉरी 859196 नो वेरीफाई। करने के बाद अब आप फिर नीचे आइए वापस से डॉक्यूमेंटेशन में। देखिए डॉक्यूमेंटेशन में ना कुछ डमी कार्ड नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो टेस्ट के लिए हमें यही इस्तेमाल करना है। तो डोमेस्टिक का देखिए मैंने पहले से वो कार्ड एंडिंग इस्तेमाल कर रखा। अब एड अनदर कार्ड पे आइए, यहाँ पे वीजा है ना, तो वीजा के लिए देखिए ये कार्ड, अगर वो मास्टर है तो मास्टर के लिए ये वाला कार्ड इस्तेमाल करना है, वीजा के लिए ये वाला नंबर इस्तेमाल करना है। तो हमने वीजा दे रखा, दोबारा वीजा दीजिएगा तो यही इस्तेमाल करेंगे। हम बैक पे आते हैं, वापस से कार्ड यही वाला नंबर इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ कार्ड नंबर ही आपको देना है, आप कार्ड देखिए यहाँ पे आते हैं, कार्ड नंबर ही आपको यहाँ पे यहाँ वाला देना है, एक्सपायरी, कार्ड होल्डर नेम, सीसीबी, आप कुछ भी दे सकते हो। बैक करते हैं, हम वापस से कार्ड में आते हैं और जो हम कार्ड इस्तेमाल किए थे 11 वहां पे हम सीसीबी नंबर 123 दे देते हैं और पे 300 पे करते हैं। जैसे ये आएगा उसका सक्सेस पे क्लिक करते हैं तो देखिए फिर हमें क्या दिखा रहा, सक्सेसफुल पेमेंट आईडी। आप वहां स्क्रीन पे आ जाइए, अब इधर यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ ट्रांजेक्शन। तो देखिए ट्रांजेक्शन में हमें क्या दिख रहा है, 300 का एक पेमेंट हमें दिख रहा है ना, 300 वाला पेमेंट। तो ये हो गया भाई हमारा 300 वाला पेमेंट, ठीक है। देखिए क्या हमने देखा कि पेमेंट कैसे हुआ, तो ये यहाँ पे हमने देखा कि अभी 300 पेमेंट आ गया। चलिए तो एक और स्क्रीन पेमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो इसे समझ में आ जाए कि हाँ हमारा पेमेंट वापस प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। तो देखिए वापस से मैंने अपना ये डिवाइस खोल रखा है, यहाँ पे मैं वो ट्रांजेक्शन वाला पेज भी ओपन कर रखा हूँ। तो चलते हैं पे विद रिजर्व पे, जो कुछ चीजें हैं प्री डिफाइंड, जैसे यहाँ पे देखिए आप कोड पे, अगर आप कोड पे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो अमाउंट है यहाँ हमने 3000 दे रखा, मतलब 30000 दे रखा, मतलब 300। तो ये तो आप यूजर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ये सारी चीजें, नेम में एल्गोरी एजुकेटर, लोगो हमने कोई सा भी ऐसे उठा दे रखा है, 300 अमाउंट है और ईमेल आईडी भी यहां से जा रहे हैं। तो ये आप बेसिकली सारा का सारा अपने कस्टमर से लोगे। तो अभी हम पेमेंट करते हैं, हम दूसरा पेमेंट टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वापस से हम कार्ड पे चलते हैं और कार्ड विद एंड वन वन, यहाँ पे कोई भी 60 कोई भी आप ये दे दो अपने सीसीवी नंबर, पे विद 300 करो, उसके बाद देखो यहाँ पे जब सक्सेस पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा देखिए सक्सेसफुल पेमेंट आईडी। और अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हमने दोबारा एक 300 का पेमेंट किया है तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 300 आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ देखिए जो पेमेंट आईडी है 40, और डिवाइस में देखते हैं लास्ट में देखिए 40, ये आ गया हमारा पेमेंट का पूरा डिटेल। तो ये था पूरा तरीका कि किस तरह से पेमेंट अपने को करना है, पेमेंट इंटीग्रेट, पेमेंट गेटवे रिजर्व पे को इंटीग्रेट करना है अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।